ये है मेरा घर और ये हूँ मैं गुड्डी। ये मेरा छोटा भाई योगी। ये मेरी मॉम और ये मेरे डैड। आप लोगों को लग रहा होगा ना ये कैसे लोग हैं, सब के सब मुंह बनाए रहते हैं। एक्चुअली हमारी एकदम हैप्पी फैमिली है, लेकिन आज हम थोड़े दुखी हैं। नहीं, बहुत दुखी हैं। वो इसलिए क्योंकि आज चंडीगढ़ से अरुण मासा और माया मासी आने वाले हैं हमारे घर, वो भी एक हफ्ते के लिए। हमें अरुण मासा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माया मासी बड़ी इरिटेटिंग और ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट वाली औरत है। स्वीट सा फेस बना के एकदम हर्टफुल चीजें बोलना कोई इनसे सीखे। एनीवेज, पापा उन्हें रिसीव करने गए हैं, थोड़ी ही देर में वो यहाँ आएंगे और एक हफ्ते तक उनकी चू चा खत्म ही नहीं होगी। लता, कैसी हो? पिछले साल से थोड़ी ज्यादा मोटी लग रही हो। नो प्रॉब्लम, इट सूट्स यू। तुम कुछ और कहो, उससे पहले जरी टैक्सी वालों को पैसे दे देना। तुम तो जानती हो ये दिल्ली वाले टैक्सी वाले कैसे हैं, कहीं वेटिंग चार्ज न लगा दे, दे दो दे दो। तुम लोगों ने टैक्सी की? हाँ, और नहीं तो क्या, इतना सारा सामान तुम्हारे मारुति में थोड़ा फिट होता था। और बाय द वे, गुड्डी और योगी कहाँ है? गुड्डी, योगी, गुड्डी, योगी। थोड़ी देर बाद चाहते हैं। और क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमें उनकी आवाज नहीं आई। पूरे मोहल्ले को उनकी आवाज आई और हमको नहीं आई, ये कहेंगे? चलो अभी। हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल लता जैसी लग रही है, दोनों का वजन एकदम सेम टू सेम। हाँ मेरे बच्चा, मैं थोड़ी काला हूँ। पिछले साल तो तू गोरा था, ये बीपीओ शिपीओ में काम करके यही हालत होती है। माया, तुम लोग थके होंगे और भूख भी लगी होगी, तुम लोग ऐसा करो फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं लंच की तैयारी करती हूँ। मैं क्या कहती, माया लंच की बात बात करेंगे, तुम्हारा रूम वहाँ है। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, एक हफ्ता बाद। भाई साहब कहाँ पर है? उनके सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए उन्होंने लंच अपने रूम में ही मंगाया। बाय द वे, मैं तुम्हें एक बात कहना भूल ही गई। ये देखो मेरे इयररिंग्स, डायमंड के है, 35,000। तुम्हारे पास कितने हैं? मेरी तो ये तीसरी पैर है। मेरे पास डायमंड की एक भी नहीं है, सिर्फ सोने की है। बड़ी ताज्जुब की बात है, आजकल गोल्ड की ज्वेलरी बिल्कुल डाउन मार्केट हो गई है, सब लोग डायमंड की पहनते हैं। ये सब छोड़ो, ये बताओ टुट्टू कैसा है? अरे टुट्टू तो एकदम बढ़िया है, मैं तो भगवान से रोज थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे इनके जैसा अच्छा पति और टुट्टू के जैसा अच्छा बेटा मिला है। हमेशा मेरी माँ और टुट्टू का झगड़ा अब तक चालू है। क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रही थी कि टुट्टू के टॉपिक पर माया मासी की थोड़ी सी बैंड बजाऊं, तुम्हारी और उसकी तो कोल्ड वॉर चल रही है, तो एक काम ये कर लेती हूँ। ऐसा क्या? तो फिर शुभ काम में देरी कैसी? मासी, टुटू का प्री बोर्ड रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट तो ठीक ठाक था। ओवरऑल परसेंटेज कितना था? जितनी हमें उम्मीद की थी उतने तो उसे नहीं आए, लेकिन उसमें बेचारे टुटू की कोई गलती नहीं है, सारे टीचर किसी वजह से उसके खिलाफ है। वो पेपर तो बहुत अच्छा लिखता है पर मार कम देते हैं। देखना, बोर्ड एग्जाम में वो इतना अच्छे मार्क लेके आएंगे कि सबके छक्के छूट जाएंगे।
कल पूरी रात तो पैकिंग में गई है और सफर में भी इतनी थकान हुई है, आज तो हम खूब सोएंगे। कोई गल नहीं, चलिए जी। कहना है माँ, नेहा का फोन आया था, सब करा प्लीज। जब नहीं माँ से बोला रही, पर माँ सैटरडे नाइट है। मुझे कुछ नहीं सोना है, तुम आज नहीं जा रही, चाहो तो कल चली जाना। और सुनो, 10 मिनट में किचन में वापस आओ, पूरी बनाना है। हेलो, हाय दी, कैसे हो? वेल, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दिन रात बोर्ड के एग्जाम की पढ़ाई की प्रिपरेशंस कर रहे हो, राइट? हाँ जी, आपसे एक फेवर चाहिए था। श्योर, बोलो। पर पहले तुम प्रॉमिस करो, तुम ये बात किसी को नहीं कहोगी, खासकर मम्मी को। ठीक है, मैं किसी को नहीं कहूँगी, अब बोलो। ठीक है, मम्मी डैडी आसपास तो नहीं है ना? नहीं, वो दूसरे रूम में सो रही है। ओह, गुड 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 गुड। तो बात ये है दी कि मैं अभी दिल्ली में हूँ। क्या, तुम दिल्ली में? पर मासी ने तो कहा। मम्मी को नहीं पता, सिर्फ तुम और विनय ये बात जानते हो। विनय कौन? मेरा दोस्त है, वो दिल्ली में ही रहता है। इनफैक्ट वो तुम्हारा पड़ोसी है, उसका पूरा नाम है विनय खन्ना। ओ, खन्ना आंटी का बेटा, उसे देखा एक आध बार मैंने। ये वही विनय है ना जो गंदा सा दिखने वाला और अजीब से चश्मे लगाता है, इनफैक्ट तुम्हारे जैसा दिखता है। हाँ वही, तो पॉइंट ये है कि मैं उसके साथ उसके घर में रह रहा हूँ। ओके, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, तुम दिल्ली में हो, तुम्हारे पेरेंट्स दिल्ली में, तुम लोग एक ही मोहल्ले में रह रहे हो और फिर भी तुम चाहते हो कि उनको ये बात पता ना चले। वेल, हाँ, उसके पीछे कुछ वजह है। ओके, लेट्स हियर देन। तो बात ये है कि यू सी, यू नो, नो टू टू, आई डोंट सी एंड आई डोंट नो, अब जल्दी बोलो। हाँ हाँ, अब वो क्या है कि यू सी टू टू, आई एम इन लव। हेलो, हेलो दी, हेलो, हेलो दी, हेलो दी, क्या हुआ? हेलो, हेलो दी, यू देयर? हेलो, या या, आई एम हियर। सो वेल वेल वेल, यू आर इन लव, गुड, वेरी गुड। सो हु इज दैट लकी गर्ल? उसका नाम रिंकू है। रिंकू, कितना क्यूट पेट नेम है, उसका रियल नेम क्या है? रिंकू ही उसका असली नाम है, रिंकू चौधरी। ओह, ओके ओके। तो और बताओ मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। दी, वो टेक्निकली मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, इसका मतलब? आई मीन, हम लोग एक दूसरे को डेट वेट नहीं कर रहे। इनफैक्ट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? क्या पागल लड़की है। Doesn't she know what a gem of a guy you are? सही कहा दी। काश वो तुम्हारे जैसी स्मार्ट होती। वो एकदम स्वीट और क्यूट है, पर लोगों को जज करने में एकदम जीरो। पता है, उसने मुझे मंद बुद्धि बंदर कहा। Really? How ridiculous. Anyways, तुम लोग का equation क्या है अब? मतलब? Well, तुम उससे प्यार करते हो, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तुम्हें मन बुद्धि बंदर भी बुलाया है, तो इट्स
लाइक तुम्हारी लव स्टोरी अभी जा कहाँ रही है, वेयर इज इट हेडिंग, और उससे तुम्हारा दिल्ली में होने का क्या कनेक्शन है? ओह हाँ, मुझे सब शुरू से बताना पड़ेगा। यस प्लीज डू। रिंकू और मैं सेम क्लास में, मैं पिछले 2 साल से उसे प्यार करता हूँ, पर ये बोलेंगे कभी हिम्मत नहीं हुई। पिछले महीने मुझे एहसास हुआ कि अभी स्कूल खत्म होने को है, और अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो मैं शायद उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उसे प्रपोज करूंगा। क्या तुमने उससे शादी करने के लिए पूछा? क्या, अरे नहीं नहीं पागल से बात मत करो दी, हम अभी स्कूल में है। प्रपोज का मतलब हाँ डिक्लेरेशन ऑफ लव। तो तुमने उसे जाके प्रपोज किया? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि उसके लिए जो मुझे फीलिंग्स है वो लिख के मैं उसे कहूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओह यू मीन तुमने उसे एक लव लेटर लिखा? हाँ। तुम्हारे हाँ से लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई। दी इट वाज हॉरिबल, उसने वो लेटर जाके स्कूल के ग्रीन बोर्ड पर लगा दिया। रियली? तुम्हारी तो बैंड बज गई होगी। टेल मी अबाउट इट, मेरे लाइफ का पूरा वर्स्ट डे था, पूरा स्कूल मेरे पे हंस रहा था, और ऊपर से प्रिंसिपल ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और 2 घंटे तक मुझे डांटा, और फिर मुझे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। That's so sad. मासी और मासा ने कैसे रिएक्ट किया तुम्हारे सस्पेंशन को लेके? Well, मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं सस्पेंड हुआ हूँ, मैं रोज की तरह स्कूल के लिए निकल जाता था और यहाँ वहाँ घूम के रोज के टाइम पे वापस लौट आते थे। हाँ लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। 3रे दिन उस स्टूपिड प्रिंसिपल ने घर पे फोन किया मॉम को मेरी अश्लील हरकतें बताने के लिए। उप्स, फिर मासी ने क्या किया? छोड़ो ना। द बॉटम लाइन इज मुझे 3 महीने के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। हाउस अरेस्ट? हाँ, पॉकेट मनी नहीं, टीवी नहीं, दोस्तों से मिलने घर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन वो लोग मेरे घर पे आ सकते हैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। Oh, I'm really sorry for you, Rutu. छोड़ो दी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इन सब गड़बड़ में एक अच्छी चीज भी हुई। अच्छा, वो क्या? जब मैं फिर स्कूल गया तो रिंकू को बहुत बुरा लगा कि उसकी वजह से मुझे इतना इंसल्ट सहन करना पड़ा, तो वो शर्मिंदा थी और उसने मेरे साथ डेट पे चलने का फैसला किया। ओह वाओ, लव स्टोरी फिर पटरी पे आ गई। नहीं, अगले दिन उसने मुझे कहा कि उसके डैड का दिल्ली में ट्रांसफर हो गया, वो स्कूल का आखिरी दिन था, 2-3 दिन में वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए, उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। ओह, और इसलिए तुम दिल्ली में हो? हाँ जी, मुझे उसे फिर से किसी भी तरह मिलना है, उसकी सूरत देखनी है, वरना मैं मर जाऊंगा। हाँ दी, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं सकता। जब तक मॉम और डैड चंडीगढ़ में थे मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो लोग यहाँ नहीं है और अब मुझे दिल्ली आने और रिंकू से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और इसलिए मैंने विनय की हेल्प ली। रिंकू की तरह उसके डैड का भी दिल्ली ट्रांसफर हो गया, उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि उसने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया है ताकि हम दोनों बोर्ड्स के लिए साथ साथ पढ़ सके, वो मेरी रिंकू को ढूंढने में हेल्प करेगा। ओ, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, और अगर मासी और मासी को पता चल